brought to you by Techno Camon 30 series. अगले हफ्ते इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आगाज होना है और उससे पहले ही रूस और भारत ने एक सबसे बड़ी बैठक कर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। भारत और रूस की तरफ से हुई इस अहम बैठक का हिस्सा पूरी दुनिया रही। दोनों के बीच पूरी दुनिया को लेकर एक से बढ़कर एक विषयों पर चर्चा हुई। अगले सप्ताह सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का आयोजन होने जा रहा है। इस बीच रूस ने भारत के राजदूत के साथ बैठकर बात की और निष्कर्षों पर चर्चा की। मीटिंग से पहले भारतीय राजदूत विनय कुमार और रूसी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुशको ने पूरी दुनिया के बारे में चर्चा की। उन्होंने यूरोप की स्थिति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी मिलकर बात की। रूसी पक्ष ने रूस और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने वाले बाकी देशों के खिलाफ उनकी मोर्चाबंदी को लेकर के भी टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि कैसे विभिन्न देश टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया और साथ ही साथ यूरोपीय संघ और नेटो पर भी इसका ठीकरा फोड़ा। इसे लेकर रूस की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बयान में इस बैठक को लेकर जरूरी जानकारी साझा की गई। वही भारत और रूस के बीच आपसी हितों और साझेदारी को आगे ले जाकर उसे बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की गई। बता दें, भारत लंबे वक्त से रूस के साथ खड़ा रहा है। भारत सिर्फ आर्थिक फ्रंट पर नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी रूस का पूरा सहयोग कर रहा है। तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों ने कई तरीके के प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, तब जब तेल पर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कठोर प्रतिबंध लगाए गए, तब भी भारत ने रूस का जमकर साथ दिया। भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। भारत लगातार रूस के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत रूस को हथियार भी बेच रहा है। रूस ने भारत के हथियार खरीदे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रुपये रूबल में डील भी शुरू हो चुकी है, जहां रूस ने भारतीय हथियारों को खरीदकर रुपये में भुगतान किया। वहीं भारत की तेल इंडस्ट्री रिलायंस ने तेल खरीदने के बदले रूबल में भुगतान करने का सौदा किया है। निश्चित तौर पर भारत अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पश्चिमी देशों का प्रभाव कम किया जाए, खासकर डॉलर का। इसके लिए रुपया और रूबल मिलकर काम करने के लिए तैयार रहे और रूस ने भारत को दे दिया सबसे बड़ा ऑफर। आप क्या कहेंगे इसे लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।